रूस और यूक्रेन की जंग सिर्फ ईस्टर्न यूरोप में ही अपने असरात नहीं दिखा रही, बल्कि इसके असरात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। और जिस खित्ते से हम आए हैं, साउथ एशिया से, वहाँ पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। मगर इस पर बात करने से पहले आज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कामरान बुखारी साहब के साथ हम बातचीत शुरू करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल टर्मोइल से, जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा उस खत्ते का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाला मसला है। मैं खुश आमदेद कहता हूँ कामरान बुखारी साहब को वाशिंगटन से। कामरान साहब खुश आमदेद। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी, आपके साथ बातचीत होती रहती है हर हफ्ते, या बाकायदगी से हो रही है। पाकिस्तान से बातचीत शुरू करते हैं। ये बताइए कि पिछले हफ्ते जो हमने बातचीत की थी, आज के रोज़ पेशरफ्त आपको कैसे दिखती है? देखें, ये तो अब ना तब्दीली तो अब नागुजीर हो गई है ना। तो अब ये कहना कि जो है ये चले फर्ज करें, ये जो अदम एतमाद की जो तहरीक है ये किसी तरीके से नहीं होती, कोई फड्डा पड़ जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई फसाद हो जाता है, या मतलब जो भी है, जो भी सूरत हाल होती है, तो लेकिन जो मुल्क की ट्रेजेक्ट्री है उससे तब्दील तो नहीं होगी ना। चलें अगर जो है बिलफर्ज ये हम कह लें कि किसी तरीके से इमरान खान साहब जो है वो सरवाइव कर जाते हैं, मतलब गो के उसके चांसेस जो हमें मतलब जो शवाहिद मिल रहे हैं उससे तो ये नजर नहीं आता कि वो सरवाइव करेंगे। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ इफ नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। मतलब बात ये है कि वो आज जाते हैं, कल जाते हैं, 6 महीने के बाद जाते हैं, जो भी होता है वो सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर ये सरवाइव कर जाते हैं तो बिजनेस एज यूजुअल पे दोबारा वापस चले जाएंगे। मौशी हालात मुल्क के बहुत खराब है। इनकी हकूमत और इनकी टीम ने जो है जो कारकर्दगी दिखाई है उससे तो जो है यही नजर आता है कि ये इनके बस की बात ही नहीं, और इस नाअहली जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे हमने देखी है। यानी कुछ छोटी मोटी नहीं है, जिस मुल्क में यानी लगभग 3.5 सालों में, 3.5-4 सालों में 3 दफा वजारत खजाना जो है वो बदला गया है, तो वो मतलब जो है किस बात की अक्कासी कर रहा है। और ये तो मैं आपको एक डाटा पॉइंट दे रहा हूँ, तो इस तरह के बेशुमार हैं, मैं उसमें वक्त गुजारना नहीं चाहूंगा। सुनने वाले देखने वालों को पता है क्योंकि वो ये जैसे कहते हैं कि ब्लो बाय ब्लो देखते चले आ रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मसला हल हो जाएगा। फिर ये है कि जो लोग अपना जो हल्का, जो मुक्तदर हल्का यानी एस्टेब्लिशमेंट, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान का, जो लेके आया था इमरान खान साहब को 2018 में, उनको भी पता चल गया है कि ही इज अ लायबिलिटी नॉट एन एसेट। और आज का नहीं है ये, तो बदतरीज हम देखते चले आ रहे हैं। तो यहां से जो है ये जो तब्दीली होनी है वो शायद उसकी पेस रिटार्ड हो सकती है, उसकी शक्ल तब्दील की जा सकती है, उसका रास्ता बदला जा सकता है, मतलब बहुत सारी सूरतें इख्तियार हो सकती हैं। लेकिन यह है कि तब्दीली तो होनी है, क्योंकि मुल्क इस तरह चल नहीं सकता। ठीक है, ये जो अनसर्टनिटी हम देख रहे हैं ये हम ये कब तक चलेगा? यानी सवाल ये उठता है कि हम करेंसी पाकिस्तान की जो है वो डूब रही है। ठीक है, जितने मुआशी और इक्तसादी इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे जो है मनफी हैं, और आवाम के अंदर जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने अभी यूक्रेन का जिक्र किया, यूक्रेन के जो है ना जंग की वजह से जो हम गैस पंप में जो यहाँ पैसे दे रहे हैं, मतलब अभी कोई दूसरी या तीसरी दफ़ा है कि लगभग जो है 4.5-5 डॉलर पर गैलन दे रहे हैं। इससे पहले जो है वो 2.5-3 दे रहे थे। ठीक है ना, ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो डबल हो रहा है। तो हमारे लिए भी, हम भी देखते हैं, मतलब हालांकि हम एक फर्स्ट वर्ल्ड में रहते हैं, हमारी वो मुश्किलात नहीं है जो हमारे बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी जो मुश्किलात से तो हम वो दो चार नहीं है, वो मतलब हम उस तरह से तो महफूज हैं। लेकिन अगर हमारी जेब पे भी जो है ये भारी पड़ रही है, हमारे जो बजट्स हैं मंथली जो हर घर के होते हैं तो उसको अपसेट कर रही है, तो सोचें पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है। और ये महंगाई, ये जो इन्फ्लेशन है, ये यूक्रेन से पहले की चली आ रही है,
और इसका कोई हल नहीं है। और पाकिस्तान, अब ये तो महंगाई की मैं बात कर रहा हूं, फिर जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, क्या नाम है, पाकिस्तान के, जिसकी वजह से इकोनॉमिक हालात जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाते बल्कि बद से बदतर होते जाते हैं, वो उनको एड्रेस करना तो फिर दूर की बात है ना। वहां पे तो बहुत हैवी लिफ्टिंग की जरूरत है, वहां पे तो बहुत बड़ा रीसेट बटन दबाने की जरूरत है, पॉज करने की। और जैसे मैंने आपके शो में पहले भी जिक्र किया है कि वो किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। और जो मिलिट्री हकूमत है, बात बहुत बात की जाती है कि जी अच्छा जो है अगर ये नहीं चल रहा तो फिर जो है कोई और निज़ाम ले आओ, सदारती ले आओ, मिलिट्री आ जाए, यहाँ तक कि मार्शल लॉ की बातें की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ मतलब बेतुके से वो मफरूजे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करने से हल हो जाता तो पहले हो जाना चाहिए था। ये मतलब मुल्क में 4 दफा मार्शल लॉ लग चुका है, तो उसने तो नहीं किया ना हालात को बेहतर। तो सिविलियंस के ही थ्रू वापस आते हैं। आप देखें कि जो सिक्लिकल, जो तारीखी एक सिक्लिकल ट्रेंड है कि जब भी कोई हुकूमत आती है फौजी के बाद वो वापस चले जाते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि इस दफा 2018 में ये नया एक हाइब्रिड रेजीम का, कि फौज डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस एजेंसीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके सामने उनका एक सिविलियन पार्टनर या फसाद कह लें वो है, तो उस तरह चलाने की कोशिश की। मतलब पहले ही होता था मार्शल लॉ लग जाया करता था, और फिर उसके बाद जो है वो जिसको हम जमहूरियत की बहाली सुनते हुए आए हैं वो हो जाती थी। तो उसके उस सब साइकिल को तोड़ने के लिए ये 2018 में इमरान खान साहब की जमात को लाया गया था। अटर फेलियर है वो भी। तो अब मसला ये है कि सबको पता है होना क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए होना ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको इस प्रोसेस से में इंटरवीन नहीं करना। वो न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है, और फिर जो है वो न्यूट्रल के लफ्ज को बड़े ही वो एक डेरोगेटरी तरीके से वजीर आजम ने जो है यूज किया, यहाँ तक के जो है मतलब खुल के कहा कि न्यूट्रल तो वो होता है जो जानवर होता है, यानी ये एक तरह से बराह रास्त जो है किसकी बात की जाती है ना, न्यूट्रल जब बात की जाती है, न्यूट्रल बात की जाती है एस्टेब्लिशमेंट की, मुसल्ला फौज के जो जो इंस्टीट्यूशन है उसकी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात की जाती है। तो अगर उनको ये जानवर कह रहे हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस कदर जो है हालात खराब है। तो ये खुलकर, ये वही लोग हैं जो इनको लाए थे, अब उन्हीं के खिलाफ ये हो चुके हैं, क्योंकि जो है वो जो गठबंधन था वो अब वो खत्म हो गया है, और उसको खत्म हुए बड़ा अरसा हो चुका है। तो हर जो है प्लेयर को पाकिस्तान के अंदर, हर स्टेक होल्डर को पता है, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हैं, चाहे वो इमरान खान की जमात है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जो छोटी मोटी जमातें हैं जो कि अपना कुछ जो है वो अपोजिशन के साथ हैं, कुछ हुकूमत के साथ हैं, सबको पता है कि एक ही रास्ता है, और वो ये है कि रीसेट का बटन दबाने की जरूरत है। वो बटन कब दबता है, क्योंकि उसको दबाने में भी तो बहुत सारे लोग कारफार्मा है ना, वो बटन किसी एक के हाथ में नहीं है, वो बहुत सारे लोग मिलके ही दबाएंगे, बहुत सारे मुख्तलिफ फोर्सेस, ऑपोजिशन। और तो अब वो हम देख रहे हैं वो अनफोल्ड, तो वो जो एंड ऑफ द जो कहते हैं ना एंड गेम जो है, जिस इस एक्सपेरिमेंट की, पीटीआई एक्सपेरिमेंट कह लें, इमरान खान एक्सपेरिमेंट कह लें, उस एंड गेम में है। लेकिन एंड गेम खत्म होते होते उसका ड्रॉप सीन आते आते भी तो टाइम लगता है ना, क्योंकि आपने इतने इलेबरेट तरीके से जब एक निजाम बनाने की कोशिश की, उसके बड़े ताने बाने हैं, उसमें इत्तेहादी जमातें हैं, उसमें जो है मतलब और मुख्तलिफ सूबाई लेवल पे और वफाकी लेवल पे, तो वो सारे ताने बाने फिर किसी, अगर जब आप इसको खत्म भी करते हैं तो टाइम लगता है। तो आई थिंक कि जो है ट्रेजेक्ट्री क्लियर है कि भाई ये यहाँ से वापसी नहीं है। मतलब जो अकल और जो जिसे कहते हैं लॉजिक, ये कहती है कि जो है एस्टेब्लिशमेंट इंटरफियर ना करे, इलेक्शन नए हो, जो भी आता है फिर वो जो है मतलब बड़ी जमातें जितनी भी आती हैं वो मिलके एक कौमी हुकूमत बनाए, मतलब जो है क्योंकि ये एक जो जो जिस मसाइल में जो मुल्क मुब्तला है उससे तो विड्रॉ करने के लिए तो आपको जो है तमाम लोग, स्टेक होल्डर्स, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलना है, कॉम्पिटेंट लोगों के आने की जरूरत है, आवाम की बैकिंग है। क्योंकि देखें अभी ये जो आवाम की तकलीफ है ये जल्द तो दूर नहीं होगी ना, ये तो कोई अगर आज कोई भी आ जाए तो वो जो हालात है उनको तब्दील तो नहीं किया जाएगा, लेकिन कम से कम एक ऐसी हुकूमत आए जिसके पास बेशतर आवाम का हिस्सा उसमें अपना एतमाद डाले,
और कि अच्छा यार आज नहीं तो कल, यानी इनको हम 5 साल की मुद्दत के लिए बुलाते हैं, तो 5 सालों के अंदर ये आज से 5 साल के बाद या 2.5 साल के बाद या 3 साल के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस होगा तो ही अब गवर्नमेंट जो है वो मुश्किल स्टेप्स ले सकेगी, वो जो मुश्किल पॉलिसियां तब्दील करनी है जिससे पहले मजीद पेन होगी पब्लिक को। तो एक अनपॉपुलर जो निजाम है, एक अनपॉपुलर जमात, एक अनपॉपुलर जो सर्कमस्टेंसेज हैं, उसमें उस सफर पे तो आप नहीं चल सकते ना। आपको जो नागुजीर है कि आपको नए सिरे से अवाम के पास मैंडेट की जरूरत है, तो वो कब होगा देखना बाकी है। आज होता है, कल होता है, आजकल से मुराद ये है कि कुछ महीनों में होता है या अगले साल होता है, ये तो कहना अभी बड़ा मुश्किल है क्योंकि दीज डिटेल्स हैव नॉट बीन वर्कड आउट। जी, आपने बहुत तफसील से जो इस वक्त का पाकिस्तान का पॉलिटिकल टर्मोइल है उस पर रोशनी डाली, मगर इसी सूरत हाल में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तरीही OIC का इजलास होने जा रहा है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस इजलास में हम अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बहुत ही भरपूर एजेंडा रखेंगे। उधर अफ़गानिस्तान की मुलाकातें, उनका एक डेलीगेशन इस वक्त टर्की गया हुआ है। और फिर मैं साउथ एशिया के हवाले से एक और बात को भी साथ जोड़ता हूँ कि भारत की तरफ से जो एक मिसाइल गलती से उनके मुताबिक पाकिस्तान आया, वो लोडेड नहीं था, उस पर उन्होंने सॉरी मांगी। पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको कबूल नहीं करते, इस पर इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो साउथ एशिया में ये जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जी देखें, जहां तक तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो तो मतलब बहुत सारी बातें कर जाते हैं ना, तो वो तो मतलब कभी OIC को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी हम उनका साथ देते हैं लेकिन कश्मीर पे वो हमारा साथ नहीं देते। उससे फिर सऊदी जो है वो बहुत नाराज हो गए, उनको मनाना पड़ा। तो अब जो है मतलब वो इधर मतलब बयानात बयानात होते हैं ना, वो इधर होते हैं ना वो उधर होते हैं, उससे कुछ ज्यादा हमें मालूम नहीं पड़ सकता कि असल में क्या हो रहा है। तो जो मजमूई तौर पे इस हुकूमत की सूरत हाल है, तो बंदा खुद ही जो है ना सोचता है कि जब आपकी हुकूमत की सर्वाइवल एट स्टेक है, ठीक है, आप जो है वो मतलब कुछ दिनों में ही आपकी हुकूमत जा सकती है, ठीक है ना। अब वो मतलब कुछ 12-13 दिनों की बात है कि इजलास बुलाया जाएगा, ठीक है, तो 12-13 दिनों में अगर आपकी हुकूमत जा रही है तो आप उस पर फोकस करेंगे या OIC के ऊपर फोकस करेंगे। और ये OIC का जो इजलास है ये किस नोयत का, तो आपने बॉक्सेस चेक करने हैं ना। अफगानिस्तान का मसला, चाहे आपकी जो भी सूरत हाल हो अंदरूनी, अफगानिस्तान का मसला तो नहीं जा रहा ना, वो तो वहीं का वहीं है। तालिबान आपके जो है ना फ्रंट डोर या बैक डोर पे आके बैठ गए हैं और आपके तालिबान जो है वो हरकत में आ चुके हैं, तो वो तो नहीं जा रहा। चाहे आपके जो है मतलब सियासी प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उनको डील करना है। तो ये एक तरीका कार होता है कि आप वो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में किकिंग द कैन डाउन द रोड, कि आप जो है कह रहे हैं कि हम देखें जो जो भी हालात हैं, हम अफगानिस्तान पे भी नजर रखे हुए हैं, OIC के मामला भी चला रहे हैं और देखें जो है ये मतलब हालात इतने खराब नहीं है जितने लोग समझते हैं। तो ये एक परसेप्शन शेपिंग जो है, साई ऑप्स कह लें, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस कह लें, ये वो सारा कुछ है। तो वो तो मतलब अगेन अफगानिस्तान के मसले नहीं हल होंगे। जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, देखें तुर्की जो है वो के लिए ये बहुत स्ट्रेटेजिक एक मूव है, आया वो कामयाब होते हैं या नहीं होते वो देखना भी बाकी है। तो तुर्की का चूंकि बहुत दूर है जुग्राफियाई एतबार से, कोई बॉर्डर बॉर्डर भी नहीं लगता, तो उसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में उस तरीके से नहीं है। तो मतलब जैसे उज़्बेक जो कम्युनिटी है और वहाँ उसके जो मतलब एक तरह से लीडर हैं अब्दुल रशीद दोस्तम साहब, तो उनके साथ देरीना पुराने ताल्लुकात हैं। कुछ और जो है साबिक जो करजई इंतजामिया और गनी इंतजामिया में और उस साबिक निज़ाम में जो लोग अहदेदार थे, सुनने में आया कि वो लोग भी वहाँ पर मुकीम हैं, उन्होंने पना ली भी है और मतलब बड़े लीडरों की बात की जा रही। तो इससे बढ़ के, इससे पहले जब तालिबान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था तो कुछ तालिबान जो हैं वो तुर्की चले गए थे, जैसे आगा जान मोहतसिम हैं जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं तालिबान के 90 की दिहाई में, उनके बारे में है कि वो वहां बैठे हुए हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब चूंकि तालिबान की हुकूमत आ चुकी है और तुर्की नेटो का हिस्सा था, अफगानिस्तान में फौजें थी, उन्होंने एयरपोर्ट
के ऊपर उनकी नजर है कि अगर हम एयरपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करें, उसको मैनेज करें, उसकी सिक्योरिटी वगैरह, तो शायद ये हमारे लिए इस मुल्क में, अफगानिस्तान जैसे मुल्क में, अपने असर रसूख को जमाने का एक मौका मिल जाएगा। तो वो पूरी अपनी कोशिश लगी हुई है। फिर यह है कि तालिबान को जितनी जानिब से भी कोई इमदाद मिल जाए, तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहें जी कि नहीं हम नहीं लेते। तो उनका तो यह है कि भाई नेकी और पूछ पूछ, तो वो तो जो भी कहेगा, उज्बेकिस्तान मुफ्त की बिजली दे रहा है, उनके साथ चल रहे हैं, खुर्दोनोश की जो अशियाएं हैं वो कazakhstan से आ रही हैं, तुर्कमेनिस्तान से आ रही हैं, ईरान से आ रही हैं, वो उसको इनकार नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो अगर इस लेवल पे जो मतलब कोई मसले उनके तुर्की हल कर सकता है, तो उनसे भी लेंगे बैठ के। तुर्की का ये है कि देखें, तुर्की के लिए को गेटवे चाहिए सेंट्रल एशिया में, और दो जानब से उनका एक स्ट्रेटेजिकली वो इसको एंगल कर रहे हैं। एक तो बजरिया अजरबैजान, जो हमने 2020 में एक जंग देखी थी आर्मेनिया अजरबैजान की, और उससे ये हुआ है कि जो बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरीके से उल्टा है, जो तुर्की के फेवर में आ गया, अजरबैजान के फेवर में आ गया, उससे ये है कि जो अजरबैजान का जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, और फिर कैस्पियन के जो रिसोर्सेज हैं, यानी तुर्कमेनिस्तान है कैस्पियन की दूसरी जानब, कजाकस्तान है दूसरी तरफ, उस तो वो तेल के जखायर, और फिर वो एक टर्किक इलाका है एथनिकली और लिंग्विस्टिकली, वो टर्किक स्पीकिंग पीपल्स का जो है ना इलाका है, जो जहाँ से जो तुर्क्स के जो जो तुर्की के तुर्क हैं वो उनके आबाओ अजदाद आए थे, यानी मैं ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा हूँ, उससे पहले सलजूक आए थे, जो जो मौजूदा जिसको टर्की कहते हैं उसको एशिया माइनर भी कहा जाता था, और वो एक जमाने में बिजेंटीन एम्पायर का जो ना हेडक्वार्टर था, गढ़ था उनका। तो वो एक तरफ से उधर से सेंट्रल एशिया में जाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से वो अफगानिस्तान के जरिए भी सेंट्रल एशिया में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि और तो उनके पास कोई रास्ता नहीं ना, जमीनी रास्ता नहीं है। तो अगर वो ये एक लॉन्ग शॉट है, मतलब जो है मैं समझता हूँ उनको शायद बजरिया कैस्पियन जो है ज्यादा वो फायदा हो, क्योंकि ये तो भिड़ों का छट्टा है, जैसे कि मैं और आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में तो सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान में बात की जाती है जियो इकोनॉमिक्स की, कि जी इससे अब हम जो है तजारत बढ़ाएंगे सेंट्रल एशिया से, फलाना धमकाना, तेल आएगा, और बहुत सारी सियासी बयान दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पे तो मतलब बेसिक सिक्योरिटी नहीं है, और जो है उसके सिर्फ बेसिक सिक्योरिटी से काम नहीं चलता, जब आप तजारत करते हैं तो वहां पे कायदे कवानीन होते हैं, ठीक है। कोई भी ताजर, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा नहीं लगाना चाहेगा, अगर उसको ये हो कि मेरा पैसा जो है वो मुझसे छिन सकता है, और फिर उसे वापस हासिल करने का कोई मेरे पास तरीकाकार ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई नया निजाम आना चाहिए अफगानिस्तान में, उससे तो हम बहुत दूर हैं। तो ये तो बहुत जो है ना लॉन्ग शॉट है, और अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका सबसे बड़ा लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, अगर वो परेशान है अफगानिस्तान को लेके, तो तुर्की क्या करेगा, चीन क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, जो कि मतलब उनके इतने असर रसूख नहीं है, पाकिस्तान से कम है। तो ये तो वो बात है। तो अब जो है मुड़ते हैं आपके, अगर आपकी इजाजत हो, जी तो वो जो भारत की जो मिसाइल जो है जो पाकिस्तान में आके गिरी है, लेकिन ये बहुत पेचीदा मसला है, इसमें बहुत सारे हेर फेर हैं, और जो मतलब इसमें नुआंस है जिसको समझने की जरूरत है। और मैं पाकिस्तान टेलीविजन चैनल देख मॉनिटर करता रहता हूँ कि भाई वहाँ क्या गुफ्तगू शुनीद हो रही है, ज्यादातर तो गुफ्तगू शुनीद जो है वो जो सियासी मेला लगा हुआ है उसके ऊपर जो है होती है, तो इसके ऊपर कमोबेश हो रही है। तो और फिर मैंने वो जो बयान ऑफिशियल आते हैं उनको भी देख रहा हूँ, देखें पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान हक बजानब है कि वो ये कहे कि देखें जी ये जो भी हुआ है तो आप जो है मतलब हमें जो है तहफ़ दें कि ये फिर नहीं होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इस दफा तो कोई रिएक्शन नहीं आया ना, तो हम समझ गए कि अच्छा भाई ना हमारा नुकसान हुआ ना हमें रिएक्ट करने की जरूरत पड़ी। लेकिन फर्ज करें कि ये जो है कल को अगर जो है ये फिर होता है, और इस तरीके से जो है वो मिसाइल जो है वो मतलब नुकसान नहीं करता, और हमें नजर आता है, हमारे रेडार पे आता है कि भाई ये तो आ रहा है किसी मतलब जहां पे आबादी है, पाकिस्तान की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आबादी है, उसको हिट करने वाला है, तो उसमें तो फिर हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। फिर यह है कि पाकिस्तान के पास वो जो एंटी मिसल सिस्टम्स हैं वो भी सही नहीं है, कुछ चाइनीज दिए हुए हैं लेकिन उनके पास वो नहीं है, तो
ये जो एंटी मिसल सिस्टम्स हैं ये ज्यादातर जो है जैसे हम मशरक वुस्ता में देखते हैं, इसराइल के पास है, यूएई के पास है, सऊदी के पास है, तो वो जो जिसको एरो कहते हैं, थैड कहते हैं, और वो आयरन डोम जो सिस्टम्स हैं जो कि मिसल गिराते हैं, जैसे कि ये जो हूती बागी हैं ये मिसल दागते हैं जो है अपना सऊदी अरब पे और यूएई के ऊपर, तो बहुत सारे वो मिसल जो हैं वो, और उसमें ये भी अभी एक पेचीदगी है कि बहुत सारे वो मिसल नहीं होते, वो रॉकेट्स होते हैं, और ये मिसल की और रॉकेट की भी तमीज रखना बड़ा जरूरी है। तो वो उनको गिराने में वो अपना हिफाजत इस तरह करते हैं कि उनके पास वो सिस्टम है, पाकिस्तान के पास नहीं है। और फिर भारत की जानिब से ये जो वाकया हुआ है इसमें ब्राह्मोस जो है जो कि बाकायदा एक मिसल है, एडवांस्ड लेवल की मिसल है, ठीक है, हाइपरसोनिक बात की जा रही है जो है ना, मतलब क्रूज का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर ये है कि इस पूरे खेल में फिर जो है वो जब वो गुफ्तगू शुरू होती है तो तरह तरह की इस्तलाहात जो है जो टेक्निकल होती हैं जिनकी बाकायदा कुछ मीनिंग्स होते हैं वो जो है फिर वो उनको हम इंटरचेंजेबली यूज करना शुरू कर देते हैं, कोई क्रूज कह रहा है, कोई बलिस्टिक कह रहा है, कोई हाइपरसोनिक कह रहा है कोई, और वो तो खिचड़ी बन जाती है पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे खित्ते के अंदर जो है वो एक एक रवैया है, वो बड़ा कैजुअल हम जो है ना लफ्ज इस्तेमाल करते हुए बड़ी कैजुअल तरीके से हम करते हैं। तो ये तो बहुत पेचीदा मसला है, लेकिन जो इशू है वो ये है कि यहाँ पे कंस्पिरेसी थ्योरी भी आ जाती है। कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि अच्छा यार इन्होंने जानबूझ के शायद किया है, ये शायद हमारा कोई जो है ना रिस्पॉन्स टाइम देखना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, मुझे नहीं पता, मैं मेरे पास बहैसियत एनालिस्ट मैं बहुत थोड़े डाटा के ऊपर इस इशू पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तंजिये के देने के पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि ये जो इसके ऊपर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है। इतना पता है कि एक मिसल गिरा है मियां चन्नू के इलाके में और जो है वो ब्रामोस है, क्या हुआ, कौन गिरा, कैसे वो गिरा, वो डिटेल्स अभी हमारे सामने नहीं है, ठीक है, और वो डिटेल्स हमारे सामने आएंगी भी नहीं, क्योंकि यहां पर भारत का इंटरेस्ट है कि वो जो भी हुआ है उस पे से कम वो रिवील करें। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है कोई भी मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स, उनके प्रोसेसेस, उनकी डिटेलें जो हैं वो इस तरह मंजरे आम पे नहीं लाता, ठीक है, इसलिए मसला बन जाता है जब पाकिस्तान कहता है इस पे इंटरनेशनल इंक्वायरी हो। अच्छा अब इंटरनेशनल इंक्वायरी कैसे होगी, कोई इदारा है, ये बड़ी दफा बात की जाती है जी इंटरनेशनल इंक्वायरी हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जब जो ना वफात पाई तो उसमें कम से कम यूएन का एक इदारा था जो आया, लेकिन उसने क्या तीर मार लिया, मतलब पाकिस्तान की रियासत ने उनको कोई क्या रसाई दी। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक जो है छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, ईरान के पास चले जाओ, ईरान का जो न्यूक्लियर जो पूरे का पूरा ताना बाना है, जो उनका कॉन्ट्रोवर्सी है उसका क्या किस बात पे है कि वो उन जो है जब डील हुई थी डील में ये कहा गया था अब आप इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उसके जो इंस्पेक्टर हैं उनको आप रसाई देंगे, आप उनके रास्ते में रुकावटें नहीं डालेंगे, आप उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जहां पे भी वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं ये और तय हुआ था डिटेल में कि इस तनसीबात पे जाएंगे, इस तनसीबात पे जाएंगे, ये होगा वो होगा, इतने जो है ना कैमरे लगेंगे फलाना ढमकाना, ये सारी डिटेलें वर्कआउट की जाती है। लेकिन बावजूद उसके हम देखते हैं कि जो है वो अक्सर शिकायत आ रही होती है आईएईए की तरफ से कि ईरान जो है वो पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो ये एक मसला है, और ये मसला स्टेट सॉवरेंटी से रिलेटेड है। रिवर्स कर देते हैं, लेट से चले अब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, थोड़े हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट से कि इंडिया का मिसल नहीं था, पाकिस्तान एक कोई सोफिस्टिकेटेड मिसल टेस्ट करता, वो भारत के इलाके में गिर जाता, क्या पाकिस्तान चाहता कि यार वो इंटरनेशनल इंक्वायरी हो, वो आए हमारे सारे तनसीबात देखें, प्रोसेसेस देखें। ये वो इंटेलिजेंस है जिसके ऊपर जो जो हॉस्टाइल कंट्रीज होती हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बेतहाशा रिसोर्सेज लगाती हैं, लोगों की जिंदगियां जो हैं वो दाव पे लगती हैं इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई जो है वो भारत जो है वो कहेगा अच्छा यार आ जाओ, ठीक है, आप देखें कि मुंबई हमलों में जो इन्वेस्टिगेशन थी कितना जो है फसाद था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक,
कि नहीं जी को हमने इंफॉर्मेशन दे दी, नहीं जी हमें नहीं मिली, नहीं जी जो है वो को तावन नहीं हो रहा, पाकिस्तान तावन नहीं कर रहा, पाकिस्तान कह रहा है हम करने के लिए तैयार हैं लेकिन वो ये नहीं करना चाहते। तो इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। इसको जो है मीडिया के अंदर आप लिटिगेट नहीं कर सकते, इसको कोई बैनल अक्वामी है, देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब से, कोई ऐसी एजेंसी है जो बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर करे। अभी ईरान क्या कह रहा है, ईरान जैसा मुल्क जो सैंक्शन ज्यादा है वो भी हार नहीं मान रहा, अमेरिका की तरफ से एड़ी चोटी का प्रेशर आ रहा है, ठीक है सैंक्शन पे सैंक्शन ट्रंप एंड इंतजामिया ने लगाए और अब भी फीड जो है ना वो कोई उस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बाइडन इंतजामिया भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी आप मतलब हमें आपके मिसाइल प्रोग्राम का जो है बताएं, ये तो न्यूक्लियर तो चलो ठीक है लेकिन मतलब अगर आप न्यूक्लियर अगर तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना लेकिन मिसाइल तो आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आप जो मतलब मिलिशिया को सपोर्ट कर रहे हैं बैठे मशरक वुस्ता के अंदर उसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। क्या ईरान कोऑपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, कोई मुल्क नहीं करता। जब तक इंटरनेशनल रेजीम बनाना, इंटरनेशनल नॉर्म बनाना वो बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि स्टेट सॉवरेंटी बीच में आ जाती है, जो रियासत की खुद मुख्तारी है वो बीच में आ जाती है कि आप कुछ चीजें नहीं। जो ये न्यूक्लियर इशू है ये एक बड़ा स्पेसिफिक इशू है जिसके ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, लेकिन तमाम मुल्क जो है उसमें भी तमाम हमारा पूरी तरीके से जो है वो इफेक्टिव नहीं है। भारत पाकिस्तान इसराइल उन्होंने एनपीटी पे नहीं साइन किया, ठीक है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर जो तंसीबात हैं जो जो अगेन एक बहुत ही कमजोर मुल्क है, क्या उस तक रसाई है, उनको रोका जा रहा है, उनकी मिसाइल जो है उनको हम रोक पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे ना। तो इंटरनेशनली नहीं होता, होता कैसे है और इस पर फिर मैं यहां रुकना चाहूंगा और बाद में बात हम कर सकते हैं, ये बायलैटरली डिस्कशन होता है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। हॉटलाइन है ना, ठीक है जब मिसाइल का कोई टेस्ट करते हैं कोई भी एक दूसरे को बताते हैं ना कि भाई हम ये करने लगे, तो वही फॉरम है। ये फॉरम मीडिया के अंदर और ट्विटर के ऊपर जो है ना इस तरह ये पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, ठीक आप इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कर सकते हैं, मसले का हल नहीं है इसका, इसका हल बैठ के बात करने वाला है। और ये वो वाली गुफ्तगू नहीं है जो आप पब्लिकली कहें कि जी अच्छा मेरा वजीर खारजा आ रहा है वो दिल्ली में जाएगा और दिल्ली से उठ के फिर वो इस्लामाबाद आएगा, ये पसे पर्दा मीडिया की आंखों से दूर ये डिस्कशन होते हैं क्योंकि ना भारत चाहेगा कि उसके डिटेल बाहर आए, ना ही पाकिस्तान चाहेगा कि उसके डिटेल बाहर आए। जी, आपने बिल्कुल इसका जवाब बहुत मुख्तसर जो आखिर में दिया वही हाल मुझे भी नज़र आता है और वही इस मसले का हल है। चूंकि ये मीडिया हाइप की बातें नहीं हैं, ये बहुत सीरियस बातें हैं, पसे पर्दा होने वाली बातें हैं। साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स के हवाले से कामरान बुखारी ने अपनी भरपूर राय का इजहार किया। अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे बातचीत करेंगे यूक्रेन रशिया के तनाज़ा के हवाले से। हाँ